हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ओके, सो हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रोपोगेशन। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेव्स क्या होती हैं। सो वेव्स इज द स्टाइल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इट इज़ द वे ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस की थी वेव्स के टाइप्स के बारे में, मैकेनिकल वेव। द वेव्स विच रिक्वायर द मीडियम मटेरियल फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ओके, तो मैकेनिकल वेव में दो क्लासिफिकेशन किए थे हमने। वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडल wave, another one is called transverse wave. ओके, एंड देन हमने थोड़ी सी बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ये अलग अनदर सेट ऑफ वेव है, एक अदर कैटेगरी की वेव है जिसको प्रोपोगेशन के लिए लाइट की मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये बिना मीडियम के ही बड़ी ईजिली प्रोपोगेट कर सकती हैं। इवन दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब विदाउट मीडियम, जहाँ पे कुछ भी ना हो। ओके, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बिना मटेरियल मीडियम के बड़े आराम से प्रोपोगेट हो सकती है, उनको हम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। यस, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सही शुरुआत करने जा रहे हैं। कल केवल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। सो आज हम ईएम वेव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बढ़िया, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आप लोग बड़े आराम से पालथी लगा करके पढ़िए। तो डिटेल में आज हम ईएम वेव्स को पढ़ेंगे, बिल्कुल बड़े प्यार के साथ आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो का मोटिव कहीं से सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, वीडियो का मोटिव है आप और हम मजा लेकर के इस चैप्टर को बड़े प्यार से कथा कहानी के जैसे क्लियर करते जाएं। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अभी तक की जानकारी क्या है? अभी तक की जानकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ये है कि ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो ये कैसी वेव होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होती है ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हुआ करता है। यस, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, तो ये होता है प्रोपोगेशन। ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है और ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है। यस, तो पहली चीज़ है भैया, ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इसमें जो मीडियम पार्टिकल होता है अप एंड डाउन वेरी करता है, और जो वेव चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, मतलब प्रोपोगेशन डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर हुआ करती है। इतनी सी बात है, ठीक है। एंड तो दूसरी बात क्या होती है, ये जो वेव्स होती हैं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, ये वेव्स जो होती हैं वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं। किस में ट्रेवल करती हैं? वैक्यूम में। और वैक्यूम में ये किसकी स्पीड से ट्रेवल करती हैं? वैक्यूम में जो इनकी स्पीड होती है दैट इज सी इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। किस स्पीड से? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ओके, एंड फोर्थ जो है वो है कि ये जो वेव होती हैं, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, एक्चुअली ये ट्रांसवर्स हैं। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। किसकी फॉर्म में? क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट क्या होता है भाई? क्रस्ट ये होता है इस पोजीशन को अपन क्रस्ट बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम निगेटिव एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड ट्रफ। सो दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। तो अभी इसको जल्दी से नोट कीजिए कि जो वेव्स होती हैं ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। इसको फटाफट नोट कीजिए पहली चीज़। तो ये जो मेरे पास थी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सबसे पहले रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे पता है। अब इन इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आखिर ये सारा का सारा ईएम वेव का मामला पैदा कहाँ से होता, आता कहाँ से है ओरिजिन। आइए ओरिजिन डिस्कस करते हैं एकदम बिंदास। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन, देयर इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ स्टैटिक चार्ज। अगर हम एक स्टैटिक चार्ज की बात करें, मतलब रेस्ट चार्ज की बात करें, रेस्ट चार्ज, तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो केवल अपने चारों तरफ कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, तो जो रेस्ट चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कि रेस्ट चार्ज क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बड़ी स्टडी करी हमने रेस्ट चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा एक चैप्टर है। देयर इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ स्टैटिक चार्ज व्हाइल देयर आर बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मूविंग चार्ज। बट मूविंग चार्ज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास चार्ज मूविंग है, यही चार्ज अगर मान लो आपके पास चल रहा है, मूविंग चार्ज,
मूविंग मतलब द चार्ज इन मोशन. अब भैया द चार्ज इन मोशन, चार्ज दो तरीके से मोशन में होता है, एक विद एक्सेलरेशन और एक विदाउट एक्सेलरेशन. मूविंग चार्ज मतलब चार्ज मूव कर रहा है. ये देखिए, अगर ये चार्ज है और ये फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, यू मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल स्पीड इसकी फिक्स है, बिल्कुल इस तरीके से मूव कर रहा है. तो अगर चार्ज मूव करता है तो क्या कंस्टिट्यूट करता है, चार्ज कभी किसी रास्ते से मूव करता है तो क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट. करंट बनाता है भाई, सीधी बात है. तो चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट बनाएगा. करंट बनाएगा तो चार्ज इस तरह, यदि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है. अगर मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो बच्चों करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपवर्ड. बट निगेटिव चार्ज का उल्टा होता, अगर निगेटिव चार्ज जाएगा ऊपर की तरफ तो करंट कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ. समझ गए ना, नेगेटिव चार्ज की करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में सेट होती है, मगर पॉजिटिव चार्ज की जो करंट होती है हमेशा वो उसके मोशन की डायरेक्शन में सेट होती है. चलो भाई अच्छी बात है. ओके सो क्या पढ़ रहा, वाइल देयर आर बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यस वाइल देयर आर बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मूविंग चार्ज. हाँ, अगर आपके पास चार्ज मूव कर रहा है तो भैया चार्ज का नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं गायब कर ही नहीं सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, बट चार्ज के मूव करने से क्या बनी है, करंट. तो करंट जब भी प्रोड्यूस होती तो आपको पता होगा वो अपने पाथ के वो जिस रास्ते में जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है. आपको पता होना चाहिए जिस रास्ते से जा रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड. समझ गए ना, हमेशा करंट का रूल है कि करंट जिस रास्ते से जा रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में. तो करंट अगर ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है मतलब चार्ज मूव कर रहा होगा यूं इस तरीके से, तो बेटा इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, मैं कहूंगा इस प्लेन को काट दो, तो आप एक ब्लेड लो ऐसे काट दो, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन बन गया इस तरीके से. तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में इसका क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड. यस, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद होगा आपको, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. यस, तो देयर इज, फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, देयर इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द स्टैटिक चार्ज व्हाइल देयर आर बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मूविंग चार्ज. मूविंग चार्ज के अराउंड दोनों ही फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक. अब आगे की बात करते हैं. इन 1831 फैराडे थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. अब देखिए, अब 1831 में फैराडे का एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं. फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं 1831 के. यस, तो 1831 में माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था. इन 1831 फैराडे थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड. आपके पास एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है. वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये नॉर्थ ले लो और ये साउथ ले लो. बोलो यस और नो. और आप इसको कंटिन्यूअसली आगे पीछे कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप आगे पीछे कर रहे हो. मान लो ये कंडक्टर कोई रखा हुआ है, ये कोई रॉड रखी हुई है. बोलिए यस और नो. ये कोई अकेली रॉड रखी हुई है. अब ये अकेली रॉड रखी हुई बेटा, तो जो इससे जाने वाला जो फ्लक्स है, अगर ये जो अगना मैग्नेट है, अगर ये आगे की तरफ आएगा तो इससे जाने वाला फ्लक्स क्या होगा बेटा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा. और जब पीछे की तरफ जाएगा तो इससे जाने वाला फ्लक्स कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो मतलब इसमें से ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कट होने वाला फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा. बोलो यस और नो. भाई कभी वो ज़्यादा रहेगा तो 5n, कभी कम रहेगा तो 5 2, ज़्यादा कम होता रहेगा. सो वॉट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड चेंज इन फ्लक्स. चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स होगा. एंड चेंजिंग फ्लक्स किसके साथ होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा. चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो. अब बेटा आपको पता होगा कि अगर चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो क्या आता है, ईएमएफ. ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. मतलब आपके इस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा. कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ. ईएमएफ मतलब वोल्टेज. एक प्लेट प्लस हो जाएगी सर्टेनली और एक प्लेट माइनस हो जाएगी. मैं डायरेक्शन पे भी नहीं जा रहा हूँ कौन सी प्लस कौन सी माइनस, या एक प्लेट माइनस एक प्लेट प्लस. समझ गए ना. तो क्या था, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. आया समझ में.
तो इन एथिन 13.1 फेराडे थ्रू इज एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट इफ अ कंडक्टर इज प्लेस इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. यू कैन सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज, इफ दिस इज प्लस दिस इज माइनस. अगर ये प्लस है और ये माइनस है, अगर एक टर्मिनल प्लस हुआ है एक टर्मिनल माइनस हुआ है, तो क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो जन्म ले लिया ना. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस. तो एक टर्मिनल प्लस हो गया मतलब एक टर्मिनल माइनस हो गया, मतलब बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्थ दे दिया, जन्म दे दिया. ओके एन इलेक्ट्रिक फेराडे थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट इफ द कंडक्टर इज प्लेस इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर. एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर. देखिए, अगर कंडक्टर ओपन है तो केवल ईएमएफ आएगा. यस, याद रखिएगा, अगर कंडक्टर ओपन है तो केवल ईएमएफ आएगा. ईएमएफ में नहीं कि वोल्टेज डेवलप होगा. क्या डेवलप होगा बेटा? वोल्टेज. बट यदि आपने समहाउ इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि चलो मैं इस माध्यम से चेक भी कर लूंगा कि करंट कितनी आ रही है कि नहीं आ रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो इसमें करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगी. इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी. अगर क्लोज है तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी. ओके, करंट भी बन जाएगी. ओके, नाउ सो करंट क्या पे क्रिएट हो गई है. ओके, देन सिंस द फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इंडिकेट्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर. Since the flow of the current in the conductor indicates that the electric current is produced within the conductor, we can say an electric field is produced by a variable magnetic field. So what happened actually? Actually, देखो बच्चों, हुआ क्या कि आपके magnetic field की वजह से आप क्या ले आए हैं, magnetic field को change करने, मतलब changing magnetic field. magnetic field ने क्या establish कर दी? Electric current. भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या इस्टेब्लिश कर दी? इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश कर दी. और इलेक्ट्रिक करंट का इस्टेब्लिश होना मतलब किसको जन्म देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को. यस, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाई अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश कर दिया है. ऑन दिस बेसिस In 1864 मैक्सवेल एज्यूम दैट ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाई ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड. यस, ऑन दिस बेसिस ऑन 1864. अब ये सारा स्टडी करके 1831 में माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंट, उसके पहले ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट 1804 के आसपास का, ये सारा स्टडी करके 1864 में, नाम था क्लार्क मैक्सवेल, पूरा नाम था, बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट Clark Maxwell. On the basis of this, in 1864, Maxwell assumed that an electric field is produced by a Maxwell assumed that the magnetic field is produced by a variable electric field. अब देखिए दूसरी बात क्या है, क्या assume कर रहे हैं Maxwell ने, माना क्या माना? Maxwell assumed that, ये line मुझे लिखनी पड़ेगी तब आप इस पर concentrate कर पाएंगे कि Maxwell ने क्या माना. Okay. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो नई लाइनें होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं. मैक्सवेल अज्यूम्ड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड. On this basis in 1864, Maxwell assumed that the magnetic field is produced by a variable electric field. अब देखिए क्या कह रहे हैं मैक्सवेल साहब. इनका कहना है कि variable magnetic field produce हो रहा है is produced by variable electric field. ये बात अब समझिए. अब देखो भाई, दोस्ती बहुत गहरी होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, समझना. बहुत सारे कंसेप्ट एकदम से, तीन चार कंसेप्ट आ जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है यार.
जब आप ये मान लो आपके पास कोई क्वाइल है, ये आपके पास कोई क्वाइल है, ओके डन, ये आपके पास कोई क्वाइल है, जब आप इस क्वाइल से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हो, बोलो हाँ, जब आप इस क्वाइल से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हो, तो जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हो तो फ्लक्स में चेंज के कारण क्या डेवलप होता है इसके अक्रॉस, ईएमएफ, ईएमएफ, हाँ क्लोज कर दोगे तो करंट फ्लो हो जाएगी, क्लोज कर दोगे तो करंट फ्लो हो जाएगी, मतलब कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैक्सवेल एज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ में प्रोड्यूस होता है, अब देखो कैसे बच्चों, अब यहाँ पर क्या सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा, क्या यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा, क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, दोनों फील्ड बनेंगे, वो देखिए कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पर सर्किट को क्लोज कर दिया, बोलो भाई क्लोज कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, लो भैया गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अब तुमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी बेटा, करंट आई, बोलो यस, करंट आई क्रिएट होगी, अब ये बताइए ये जो करंट आई है, ये करंट आई फिक्स करंट होगी कि वेरिएबल करंट होगी, बताइए क्या कह रहा आपका मन, क्या ये करंट आई जो है ये फिक्स करंट होगी कि वेरिएबल करंट होगी, वेरिएबल होगी भाई, सही बात है, कोई फिक्स करंट का सोर्स थोड़ा ना लगा है, कोई डीसी बैटरी थोड़ा ना लगी कि फिक्स करंट हो, ये जो करंट होगी ये वेरिएबल करंट होगी, यस, अब ये जो वेरिएबल करंट होगी, आपको पता है कि जब कोई करंट किसी कंडक्टिंग पाथ से जाती है तो क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया ना, यस, तो यही देखिए ये लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जन्म ले रहा है, मतलब यार बहुत देखो गहरी बात है, हो क्या रहा है, तुमने पहले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, बोलो यस और नो, और फिर वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन करके, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आ रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बोलो यस और नो, और ये आपस में जोरदार तरीके से कनेक्टेड है भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में जान है तब तक मैग्नेटिक फील्ड में जान है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता रहेगा, और दोनों जिंदा रहेंगे, समझ गए ना, जितना दम से चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने दम से चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया कि सचमुच उड़ गया, आ गया ना, यस, तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ बनते हैं, यस, आगे पढ़ता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैक्सवेल की वो लाइन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस बेसिस इन 1864 मैक्सवेल एज्यूम्ड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सवेल ने एज्यूम किया कि मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से, पहले कैसे बनाया जा रहा, पहले इलेक्ट्रिक करंट से बनाया जा रहा था, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो इलेक्ट्रिक करंट से बन रहा था, बट अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा वो इस करंट के बदलाव, मतलब यहाँ पे जो प्लस और माइनस चेंज हो रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ओरस्टेड के टाइम का जो मैग्नेटिक फील्ड था ओरस्टेड के टाइम का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किसकी वजह से बन रहा था, वो करंट की वजह से बन रहा था, समझ में, हाँ, तो ओरस्टेड के टाइम का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो करंट की वजह से बन रहा था, ओरस्टेड के टाइम का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किससे वजह से बन रहा, करंट,
इवन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था वो तो डीसी करंट पर बेस्ड था, तो उसने एक फिक्स अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था। बट यहाँ पर जो मैक्सवेल कह रहे हैं, तो मैक्सवेल का जो कहना है कि भैया जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट की वजह से नहीं, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा। बोलो हाँ। तो मैक्सवेल क्या थ्योरी दिए गए कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है, और माइकल फैराडे क्या थ्योरी दिए गए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, बहुत बढ़िया, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। जो फैराडे थ्योरी दिए गए थे फैराडे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब भैया क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इस दोस्ती को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव द राइज ऑफ डेल्टा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गिव राइज ऑफ डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा। जब एक दूसरे के ही पापा मम्मी है तो ये हमेशा ही जनरेट होते रहेंगे। समझ गए ना, एक इसको पैदा करता रहेगा दूसरा उसको। चलिए ओके, यहाँ तक आ गई बात समझ में। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ 1864 मैक्सवेल एज्यूम दैट ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ही प्रोपाउंडेड सम मैथमेटिकल इक्वेशन विच आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। और उसने कुछ इक्वेशन को प्रतिपादित किया मतलब फॉर्मुलेट किया, कुछ इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन उसने लिख दिए और वो इक्वेशन कहला गए मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, वही मैक्सवेल इक्वेशन आधार बनते हैं, फाउंडेशन बनते हैं डिस्कवरी ऑफ ईएम वेव्स का। ठीक है, ओके। दीज इक्वेशंस कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन। और ये जो इक्वेशंस थे मैक्सवेल के वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन मतलब कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का बनना और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर रहे थे ना। यस, इक्वेशन हियर वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दीज द डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रो मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल के इक्वेशन का डेरिवेशन हम इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, आप लोग अगर जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे, यहाँ पे हमको मैक्सवेल के इक्वेशंस को डेराइव नहीं करना है। केवल यहाँ पर इस बात का रेफरेंस लिया गया है कि मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस बनाए थे और वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बखूबी बहुत ही प्यार से सेटिस्फाई कर रहे थे। समझ गया ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पूरी फिनोमेनन को बहुत प्यार से एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये होता है। चलिए अच्छी बात है, आगे पढ़ता हूँ भाई। तो ये तो मैक्सवेल की कहानी थी, ठीक है ना। चैप्टर थ्योरेटिकल है मगर आई होप इस तरीके से पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा, मन में बैठ रहा होगा कि हो क्या रहा है मामला, ठीक ना। क्योंकि ये प्रोसेस समझना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, दो चार स्टेप की प्रोसेस है, एक डायग्राम से कैसे क्लियर हो जाएगी बच्चे के। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, फिर वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैं शुरुआत करी मैग्नेटिक पे, आगे भाई गए मैग्नेटिक, और फिर वो मैग्नेटिक से फिर इलेक्ट्रिक। तो जितना फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक उतने ही उसी टाइम पे बनेगा मैग्नेटिक। हाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये फील्ड, आपको पता होना चाहिए क्यों होते हैं परपेंडिकुलर, ये भी मैंने बात इसी लेक्चर में आपको बता दी है भैया। अगर करंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे सेटअप हुआ, मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में सेट होता है और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में सेट होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तरंगें होती हैं वो एक प्लेन में जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड की उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जाएंगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। यस, According to the Maxwell, an oscillating moving charge continuously emit electromagnetic waves. हाँ भाई, लिखो भाई, मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, यही थी मैक्सवेल की थ्योरी जो उसने कहा, लिखे। According to the Maxwell, an oscillating moving charge, oscillating moving charge. ऑसिलेटिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेट करने वाला, वो तो ठीक है ना। ऑसिलेट का आधार क्या, जिसके पास एक्सेलरेशन। बेटा जहां पे भी ऑसिलेशन होगा वहां पे एक्सेलरेशन पक्का प्रेजेंट होगा। ओके, ऑसिलेशन जहां पे भी होगा वहां पे एक्सेलरेशन पक्का प्रेजेंट होगा। ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन, ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन, ठीक ना। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल एन ऑसिलेटिंग मूविंग चार्ज कंटिन्यूअसली एमिट
आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कंटिन्यूसली एमिट्स आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, देखो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये चार्ज है, प्लस चार्ज ले लो, ये देखो ये मैंने प्लस चार्ज ले लिया, इसको डार्क कर दिया मैंने, थोड़ा फीलिंग आई इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया, ये प्लस चार्ज है, ओके ये प्लस चार्ज है, ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज जो है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ओके वाइब्रेट कर रहा है मान लो, तो कैसा वाइब्रेट कर रहा है, मान लो ये जो है ऑसिलेटरी चार्ज है ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है कि ऐसे समझ लो, ये यहां से चला और घूम करके ये वापस फिर से यहीं पे आ गया, घूम करके ये वापस यहीं पर आ गया, ओके। तो मैक्सवेल कहते हैं कि अगर ये चार्ज ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो ये लगातार एक रेडिएशन छोड़ेगा, लगातार एक रेडिएशन छोड़ेगा, भाई चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और चार्ज मूव कर रहा है तो इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है, बोलो यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, और आपको पता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, तो ये चार्ज आपके पास है, मैक्सवेल कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल एन ऑसिलेटिंग मूविंग चार्ज, एक ऑसिलेटिंग मूविंग चार्ज कंटिन्यूअसली एमिट्स आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कंटिन्यूअसली वेव्स एमिट करेगा, कौन सी वेव, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कुछ ना कुछ तो होगा, अब अगर चार्ज स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है ना बच्चों, अगर चार्ज स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके पैटर्न जो बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, एक फिक्स पोजीशन पे बनता है इस चार्ज के लिए। अब यहां पर एक्चुअली चार्ज क्या है, आगे बढ़ता जाएगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की भी पोजीशन क्या, एक प्लेस पे रहेगी कि बढ़ती जाएगी, वो बदलती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन। तो मैक्सवेल की थ्योरी पर हम कंसंट्रेट करते हैं, मैक्सवेल ने कहा अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल एन ऑसिलेटिंग मूविंग चार्ज कंटिन्यूअसली एमिट्स आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द रीजन ऑफ दिस इज दैट ऑसिलेटिंग चार्ज हैज एन एक्सिलेटिंग मोशन। हाँ मैंने बताया कि भैया ऑसिलेटिंग एक्सेलरेशन, ऑसिलेशन का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन होना, ओके। द रीजन इज दैट ऑसिलेटिंग चार्ज हैज द एक्सेलरेटिंग मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द एक्सेलरेटेड चार्ज। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब आपको पता है कि यदि चार्ज मूव करता है तो मूविंग चार्ज के अराउंड में क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज के अराउंड में क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यस। अब अगर चार्ज की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती, अगर चार्ज की वेलोसिटी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता। अगर वेलोसिटी चार्ज की कॉन्स्टेंट होती है, अगर चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता मेरे भाई, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता मतलब एक यूनिफॉर्म करेंट जाती, एक फिक्स अमाउंट की करेंट जाती, क्योंकि आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज की रफ्तार को ही तो करेंट बोलते हैं। अब अगर चार्ज की रफ्तार Q by T बदल रहा है, मतलब I बदल रहा है, तो I बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बदलेगा, क्योंकि B तो डायरेक्टली I के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। मतलब यदि चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, देखो कितनी सारी चेंज जुड़ी हुई है ना, बच्चा कितना बच्चा परेशान हो सकता है, Q by T इक्वल टू I। अगर चार्ज की करंट, चार्ज की रफ्तार अगर बदल रही है, भाई अगर Q by T फिक्स है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फिक्स है, तो I कांस्टेंट रहेगा, I कांस्टेंट रहेगा तो B की अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। बट अगर चार्ज की रेट चेंज हो रही है तो B की अमाउंट घटेगी या बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो चेंज होगी, होगी ना, क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब उस समय पे कैसा आ जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आपका ये चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है इस पाथ पे,
जिसको अपन बोलते हैं ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन कर रहा मतलब 100% एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अलग अलग आएगा, करंट अलग अलग सेटल होगी और अलग अलग करंट के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड सेटल होगा। मतलब मतलब क्या हुआ बच्चों, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा तो क्या आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, अभी तो पढ़ा काफी देर। यस, तो भैया चलो आगे पढ़ते हैं। एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इट ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी चार्ज की चेंज हो रही है तो उससे जो कंसर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। दिस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड सो प्रोड्यूस ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। क्यों? उसके पापा जो उसको जन्म देने वाले वो भी तो चेंज हो रहे हैं, तो चेंजिंग से चेंजिंग ही तो डेवलप होगा, डेल्टा बी से डेल्टा ही तो डेवलप होगा। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एग्जांपल में दिखाया था इसको, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज टू वेरिंग फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दीज टू वेरिंग फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो perpendicular to the direction of propagation of wave and both the fields are in same phase and of the same frequency। दोनों का behavior एक साथ ही बदलेगा तो phase same होगी और frequency भी same होगी और दोनों एक दूसरे के perpendicular हैं। ये तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि electric field और magnetic field एक दूसरे के क्या है, perpendicular है। तो अगर electric field या magnetic field की मैं यदि vibrational plane बनाऊँ तो आप देखिए जी कैसी बनेगी वाइब्रेशनल प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। मैं पहले आपको बता देता हूँ बेटा, ये एक्स एक्सिस है, आप जो इस कमरे में बैठे हुए हैं सामने की तरफ एक्स एक्सिस जा रहा है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस जा रहा है और बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, समझ गए ना? अब बाहर तो मैं पेन को नहीं निकाल सकता ना, बट आप ऐसे समझ लो, ये देखो ये जेड एक्सिस है, क्लियर है? चलिए तो देखिए मैं वेरिएशन आपको दिखा रहा हूँ, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। पहले एक फील्ड बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सपोज जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है? वाई एक्सिस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कुछ इस तरीके से घट बढ़ रहा था, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। साइमल्टेनियसली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल लीड्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर। तो ये इस प्लेन में है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इस डायरेक्शन में, आगे पीछे है ना, जर्क करेगा इस तरीके से, एक यूं जा रहा है और ये एक ऐसे 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 जर्क करेगा आपका। दिस इज व्हाट, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके ओके मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे एक्सेस बना लेना चाहिए, ये लीजिए जी एक्सेस बना लिया, जेड एक्सेस बाहर की तरफ है। तो थोड़ा सा बस ग्राफिक्स की मदद से समझने की कोशिश करना कि सो बच्चों ये प्लेट आपको बाहर की तरफ निकलती सी दिख रही कि नहीं दिख रही है? निकल रही ना, थोड़े ऐसे लग रहा बाहर की तरफ आ रही है ना, बस तो यही देखिए, ये जो है ये क्या है अपना, ये इलेक्ट्रिक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर इसका पीक मैक्स थोड़ा बड़ा बनाना तो बड़ा भी बना सकते हो, पीक हल्का सा, क्योंकि मैंने इसका बड़ा बनाया तो इसका भी थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये लो, दोनों में बराबरी रहे ना भाई। चलो ओके, एनी प्रॉब्लम? यस, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना? तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, फिर पीछे जाएगा ऐसे। अब वो 3D डायग्राम है यार, थोड़ा सा संभल के। यस, ये छोटे नहीं हो रहे हैं, ये वाइब्रेशन उतने ही है, मगर वो पीछे की तरफ है ना, तो उनको दिखा पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना, ये वाइब्रेशन उतने ही है। चलो अगर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, कोशिश करता हूँ, ये लो, ये देखो, बट एकदम बराबर बना दूंगा तो आप बोलोगे वो तो उसी के नीचे आ जाएगा फिर, तो वो तो वाई एक्सिस में ही हो जाएगा दोनों। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे फ्लैट बना दिया ना, देखो इसके नीचे जस्ट बना दिया, तो बोलोगे सर ये तो दोनों एक ही एक्सिस में है, तो फिर तुमको थोड़ा ना दिखाई देगा कि ये जेड एक्सिस में है,
समझ में आया भाई क्या हुआ? बेटा एक जा रहा है इस एक्सेस में और एक वाइब्रेशन इस एक्सेस में है, आगे पीछे, तो ये आगे वाला ये पीछे वाला, ये आगे वाला ये पीछे वाला, ये आगे वाला पीछे वाला, समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, सिम्बलाइज कर दूं भैया, है ना, ई वेक्टर बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या पढ़ें, लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट क्या निकली? दीज टू वेरिंग फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये देखिए, ये इधर पर, ये इसके एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, बोलो यस और नो। ये देखो एंगल 90 डिग्री दिख रहा, दिख रहा ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां से निकल रही मेरे भाई वेव, इस वेव को बोलते हैं ईएम वेव। क्या बोलते हैं? ईएम वेव। कहो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दीज टू वेरिंग फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एंड बोथ ऑफ द फील्ड्स आर इन सेम फेज। सेम फेज क्या? तुम जब तुम शुरुआत हुए तो मैं शुरुआत हुआ, जब तुम एंड हुए तो मेरा एंड हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ पैदा होते हैं और साथ साथ जीरो भी होते हैं। जब वो मैक्सिमम तो मैं मैक्सिमम और जब तुम मिनिमम तो मैं मिनिमम, बोलो यस और नो? यस। तो दोनों बिल्कुल सुर में से सुर मिला के परपेंडिकुलर प्लेन में गाना गाते चल रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेम फेज, सेम फ्रिक्वेंसी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस फील्ड इज सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हाँ भाई क्यों नहीं भाई, क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी बनी है, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? वही जो चार्ज पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बना है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की रेट क्या होगी? जो जो रेट इसकी होगी, जिस रेट से ये बदल रहा होगा, जिस फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेट हो रहा होगा, उसी फ्रिक्वेंसी से तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, बदल रहा होगा, बोलो यस और नो? एनी प्रॉब्लम? सो ये लिख लो, लिखो लिखो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज फील्ड्स The frequency of these fields is same as the frequency of oscillation of the charged particle. Charged particle. Okay. Yes. Paragraph change. So the wave associated with these with these mutually perpendicular oscillations of electric and magnetic field. So the wave associated with these mutually perpendicular oscillation of electric and magnetic fields is called the electromagnetic wave. Mutually perpendicular oscillations, mutually perpendicular oscillations, yes, sir, of electric and magnetic fields is called the electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से संबंधित जो तरंग निकलती है, जो वेव निकलती है, उसको हम बोलते हैं ईएम वेव, ठीक है। तो भैया ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक ओवरव्यू, हिस्टोरिकल प्रेफरेंस इसका, हिस्टोरिकल पूरा मैंने दिया कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या सोचा गया, है ना, है ना, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या सोचा गया, सब कुछ। चलो ओके, अब अगला टॉपिक डालो, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई सारी चीजें शुरू कहां से हुई है?